संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो क्या हुआ? ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। और अब कोई भी बात मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा, ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माता, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है। परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ। ये सत्य है कि बारबरीक के ये तीन बाण अमोघ हैं। ये हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है, ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये तीन बाण और इन बाणों का धारक बारबरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बारबरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है।
नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बारबरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। यही नियति है भीम, और तुम ये भली भांति जानते हो। बारबरीक का अंत अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं। मुझे बारबरीक का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना? हम बारबरीक को युद्ध से दूर भी तो रख सकते हैं, तो फिर इसका अंत अनिवार्य क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करें वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। रुकिए पिताश्री, मैं यहां खाली हाथ लौटने नहीं आया था पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। मौन रहो तुम, तुम्हें अनुमान भी है तुम क्या बोल रहे हो? कदाचित मैं दृष्टा कर रहा हूं पिताश्री, परंतु मैं एक योद्धा भी हूं और एक सच्चा योद्धा। युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर। क्षमा कीजिएगा वासुदेव, परंतु युद्ध में बाबरी के भाग लेने से हमें क्या हानि होगी? बाबरी हमारे पक्ष से युद्ध करेगा, हानि तो केवल कौरवों को होगी वासुदेव। नहीं युधिष्ठिर, जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों बारबरीक, मैंने उचित कहा ना? मैं समझा नहीं वासुदेव। बारबरीक निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो इसमें क्या संदेह है? पौत्र, सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने, परंतु समस्या क्या है वासुदेव? ये तो स्पष्ट है कि हम पांडवों के पास 7 अक्षणीय सेना है और कौरव के पक्ष में 11 अक्षणीय सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है, इसलिए बारबरीक हमारे ही पक्ष में युद्ध लड़ेगा। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरवों का। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे परिवार को हानि पहुंचने से पूर्व मैं अपना शीर्ष आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो भी, तुम जानना चाहते हो बारबरीक, यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा?
तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बारबरी, इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बारबरी। कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडवों का पलड़ा कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा, और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे, और उसके पश्चात तुम पांडवों पर प्रहार करने लगोगे, और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सत्य है बारबरीक, यदि तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। तो मैं क्या करूं प्रभु? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है, क्या मुझे ये युद्ध चुनने का अधिकार नहीं? योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता बारबरीक, युद्ध अपना योद्धा चुनता है। तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? ये युद्ध एक यज्ञ है बारबरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। पौत्र, नहीं, नहीं माता, नहीं। आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं, मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था, भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? मैं वचन देता हूं बारबरीक, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बारबरीक, तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा, और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो।
मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। भगवान श्याम की पुत्र बार्बरिक। की कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई। उसने स्वयं के साथ भी अपनी अंतिम कामना का भी अंत कर लिया। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बार्बरिक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बर्बरीक इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। बर्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस बुद्धिमता इस महायुद्ध के, इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बर्बरीक। संसार तुम्ही से जाने कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ, और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बार्बरिक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बार्बरिक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाए। तुम हर उस निर्बल की सहायता करो जो तुम्हारे समक्ष सहायता मांगने आएगा।
वीर बारबरिक, तुम अपने साहस के लिए जाने जाओगे, महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे, शीश दानी के रूप में जाने जाओगे। इस युद्ध रूपी यज्ञ में यही नियति है विजय की। विजय बलिदान मांगती है, विजय दान मांगती है। दानी बारबरिक, तुम सदा अमर रहोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.